सदर थाना सोनीपत पुलिस ने पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपियों को राजलुगड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को इन सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 19 मार्च को गोहाना के आंवलीहाल विष्णु नगर के रहने वाले विकास ने थाना सदर सोनीपत में शिकायत दी थी कि TDI ग्रीन सिटी में सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार कृष्ण राठी और उसके साथियों ने जमीनी विवाद को लेकर उसके भाई और उसके पिता को गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने इस पूरे मसले पर मामला दर्ज किया था और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। अब पुलिस प्रभारी ने अपनी टीम के साथ घटना के मुख्य आरोपी कृष्ण कुमार शाम अग्रसेन चौक सोनीपत के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में संलिप्त बाकी के आरोपियों को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। जो मुकदमा हमने कल दर्ज किया था कृष्ण राठी और उसके साथी के खिलाफ, उसमें मेन आरोपी है कृष्ण राठी, राजलुगड़ी का रहने वाला है, ठेकेदार है। इसने और इसके साथियों ने कल नरेंद्र व विक्रांत दोनों का मर्डर किया था बाप बेटे का, जिसमें हमने मेन मुख्य आरोपी कृष्ण राठी वाज सोनीपत से गिरफ्तार कर लिया है। कल इसको कोर्ट में पेश करेंगे। इसके जो बाकी साथी हैं उनकी गिरफ्तारी की प्रयत्न किए जाएंगे, उनके लिए टीमें गई हुई है। क्या इन्होंने कुछ बताया है क्या वो कौन कौन थे? नहीं सर, उन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, और ये बातें हम भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे अभी। बाकी उनके उन आदमियों की गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें भेजी हुई है। सत्य खबर के लिए सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।